नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या आरपीएफ के लिए जो है आपकी बेस्ट बुक्स हो सकती है। ठीक है, तो बेस्ट बुक्स आपका क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि तीन सेक्शन है, एक जीएस से, ये बहुत ही वाइटल है, 50 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो सबसे बात देखो, ये बात कर लेते हैं, ये अभी सभी चैप्टर्स अगर आप देखोगे, करंट अफेयर्स जो है मेरा, इसके बाद जो है करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स जो है आप मेरे चैनल से जो देख सकते हो डेली का, वो फ़ायदा हो जाएगा। और बाकी ये सभी क्वेश्चंस देखो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टार्ट के लिए तरुण गोयल सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद आपको लूसेंट करनी चाहिए, एंड एसएससी की जो है चैप्टर वाइज जीएस जो है वो अगर कर लोगे तो आपका ये पोर्शन सभी हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ रेलवे की अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के सेट से क्वेश्चन है वो ज़रूर देख लो, ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है। ठीक है, तो और उसके साथ आपको मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी मॉक टेस्ट ले लो, मेरे वेबसाइट में भी अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और इससे क्या होगा, आपकी जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, और पढ़ोगे भी कैसे, जैसे तरुण गोयल का आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद जो है आप उसका ऑब्जेक्टिव एसएससी चैप्टर वाइज से लगा लो, तो आपको डेप्थ समझ में आएगा, आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे, और आपको समझ में आया मैंने जो पढ़ा वो ठीक है कि नहीं। तो ये तीन बुक मैं जो है आपको रिकमेंड करूँगा, इसके बाद आपको कोई बुक ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं एरिथमेटिक की। तो देखो, एरिथमेटिक अगर आप देखोगे तो ये जो भी चैप्टर्स है एम टायरा बुक सफिशियंट है। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही वाइटल है, उसके साथ आप ज़रूर एसएससी चैप्टर वाइज भी कर लेना। ठीक है, तो देखो एम टायरा तो सफिशियंट है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ज़रूर चैप्टर वाइज भी एसएससी का जो क्वेश्चंस है बैंक वो ज़रूर कर लीजिए, वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो प्रैक्टिस और बढ़ जाएगी, लेकिन ये चैप्टर सभी आप जो है एम टायरा भी करोगे तो इनफ होगा आरपीएफ के लिए, लेकिन मेरा सजेशन है ज़रूर इसको कर लेना। तो दो बुक आप फॉलो करोगे, एक तो एम टायरा और एक है एसएससी किरण का चैप्टर वाइज। ठीक है, अब आते हैं जीआई के लिए। तो देखो, जीआई का जो है बेसिकली जो फंडा है, जो क्वेश्चंस आप देखोगे, आपका जो प्रॉब्लम हो सकता है वो स्टेटमेंट कंक्लूशंस में ही प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोग ग्रेड ग्रुप डी में जो देखें वो उसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और बाकी और मिसिंग टर्म जो थोड़ा सा देख लेना, और बाकी तो किसी में प्रॉब्लम होंगी नहीं। तो अब देखो ये आपको करना क्या है, आप मैं सजेस्ट करूँगा कोई भी एक अरिहंत का एक पतला वाला बुक आता है, ठीक है, उसको आप ले लो इनिशियल, और उसके बाद आप किरण का चैप्टर वाइज कर लो। ये बुक आपको बहुत फ़ायदे देंगी एसएससी के लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, तो आप एकदम डेफिनेटली, आपको और कुछ देखना नहीं है, नहीं तो आर्य सगल का भी बुक है, नेट में सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, ज़रूर कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये बुक्स हैं, ज़रूर देख लो, और इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। तो चलो, अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।